से जुड़े सैकड़ों वाहन स्वामियों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, वहीं परेशान वाहन स्वामियों की सुनने वाला कोई भी नहीं है। इधर वाहन स्वामियों ने क्षेत्रीय विधायक से मिलकर मामले को सुलझाने की गुहार लगाई है। बता दें कि कुमाऊं के लाइफलाइन के नाम से जानी जाने वाली गोला नदी के चार गेट चुगान के लिए 31 अक्टूबर को खोल दिए गए थे, जिससे वाहन स्वामियों की खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन परिवहन विभाग और वन विभाग की लापरवाही के चलते पिछले 22 दिनों से वाहन स्वामियों की कागजी कार्रवाई पूरी ना किए जाने से सैकड़ों वाहन स्वामियों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। वहीं परेशान वाहन स्वामी दोनों दफ्तरों के चक्कर काटते काटते परेशान हो गए हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला अभी कोई भी नहीं है। तो वहीं पीड़ित वाहन स्वामियों ने इसकी शिकायत क्षेत्रीय विधायक से भी करी है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष और अन्य साथी लोग मेरे पास मिले थे। मैंने जिला मजिस्ट्रेट से इस विषय में बातचीत की और ये कहा कि भाई आप तीन दिन दो दिन इसका टाइम फिक्स कराएं, टाइम बाउंड कराएं। और मैं समझता हूँ कि जिला मजिस्ट्रेट ने मुझे आश्वस्त किया है, डीएम नैनीताल ने, कि वो एक निश्चित समय में इन फाइलों को, जितनी रुकी हुई फाइलें हैं, उनको निकलवा देंगे और भविष्य में इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कल इसका फिर जो है एक बार पुनः जानकारी लूँगा कि कितनी फाइलें रुकी हुई हैं, कितनी निकली हैं। मैंने भी जिलाधिकारी महोदय से यही आग्रह किया कि आप एक बार पूछ लें कि कितनी फाइलें हैं और कितने दिन से हैं। तारीख से लोगों ने पहले पेपर जमा कर चुके हैं, 7 तारीख को मैंने खुद अपनी गाड़ियों के, आज तक, कल 19 तारीख हो जाती है, आज तक पेपर नहीं आए निगम ऑफिस में। इससे गाड़ी मालिक को दोहरी मार पड़ी, तो टैक्स का और ड्राइवर की तनख्वाह घर से जा रही है, और मंदी का दौर है मार्केट में, इससे व्यापारी और वाहन स्वामी परेशान है बहुत।